आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है R15। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सी बाइक, जो कि है यमहा की R6। सबसे पहले इसका लुक और डिज़ाइन देख लो भाई। यमहा में एक चीज़ बहुत कॉमन मिल जाती है कि कोई भी बाइक हो, इनका चाहे R15 हो, चाहे R15M हो, चाहे R1 हो, चाहे R6 हो, ऑलमोस्ट जो लुक है वो एकदम सेम मिलता है। फ्रंट से आप देख सकते हो, बस थोड़ा सा बल्क और पतला कर देते हैं, बस यही एक डिफरेंस रहता है कि इंजन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, इंजन का साइज़ बढ़ जाता है, टायर का साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन लुक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 600 सीसी की बाइक खड़ी है, लेकिन अगर बहुत दूर से देखो या थोड़ा दूर से देखो तो एक झटके में इंसान R15 समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आज हमारे पास 600 सीसी की बाइक है और R15 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप फ्रंट से लुक देखो। एयर इनटेक के लिए सामने जैसे कि सब में दिया रहता है, यहाँ भी है। बाकी इसकी ये जो लाइट है फ्रंट से, ये बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है। तो सबसे पहले यार इसके इंजन कैपेबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको मिलता है 600 सीसी का, ज़्यादा नहीं, कोई लीटर क्लास मत समझ लेना। तो 600 सीसी का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर और आपको करीब इसमें 62 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टैंक यहाँ पे आप देख सकते हो, 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो टैंक की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी दी थी कंपनी ने। हालांकि ये जो बाइक है ये इस टाइम इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो अभी ये नहीं आ रही है क्योंकि कुछ नॉर्म्स थे जो मैच नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से भाई से डिसकंटिन्यू करना पड़ा यमहा को। अब टायर की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में भाई इसमें आपको मिलता है 120 सेक्शन का टायर और रियर में आपको मिल जाता है 180 सेक्शन का टायर। पीछे से भी अगर आप देखो ना, तो यमहा R15 की तरह ही आपको दिखने वाली है साइड से, लेकिन यमहा R15 इन लोग की डिज़ाइन है, ना कि ये उनकी है, उल्टा है थोड़ा सा। बिकॉज R1 जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और उसी के जैसी इन बाइकों को बनाया गया है। बट पीछे से अगर आप देखो तो लगती लगभग वैसी है ना, तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं और ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में। बाकी गाइस साइड से भी आप इसका लुक देख सकते हो, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको थोड़ी देर बाद अभी चलाएंगे, थोड़ा सा राइडिंग करेंगे और फिर मज़ा लेंगे बाइक का। फिलहाल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑन करते हैं, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको RPM मिलता है, यहाँ पे आपको डिजिटली कुछ चीज़ें बताई गई हैं। RPM इसमें आपको 18,000 तक मिलता है, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लॉन्ग गियरिंग है और इतना लंबा RPM बहुत गजब का साउंड देता है। सबसे पहले इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट नहीं हुई है, तो कोल्ड स्टार्ट में भी एक अलग साउंड आता है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पे ट्रैक्शन लेवल जो है वो आपको 6 मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक सीधा सा स्विच दिया हुआ है, इससे आप ऑफ भी कर सकते हो ट्रैक्शन को अगर ऑफ करना चाहते हो। बाकी ये देखिए, यहाँ पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 लेवल है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया ट्रैक्शन ऑफ। अब मोड की बात कर लेते हैं, तो मोड के लिए यहाँ पे आपको एक स्विच दे रखा है, इसको आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे मोड चेंज हो जाएगा। ए मोड है, स्टैंडर्ड मोड है एंड बी मोड है, तीन मोड दिए हुए हैं। ए सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड है। बाकी स्टार्ट करने के लिए ये जो स्विच दिया है ये थोड़ा सा यूनिक है, ऐसा स्विच जल्दी मिलता नहीं किसी और बाइक में। बाकी आप देख ही सकते हो बाइक का लुक वगैरह। तो बाइक को थोड़ा बहुत राइड करते हैं, मज़ा लेते हैं इसके साउंड का और दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको, कितनी ज़्यादा ब्रूटल है 600 सीसी में। सो गाइस फाइनली R6 जो है वो बाहर चुकी है और एक्रा पॉविक का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें भाई, और बहुत ही सही साउंड कर रहा है, एकदम तगड़ा भाई माहौल बना दिया इस एग्जॉस्ट ने, तो एकदम खतरनाक है भाई जो भी है। और ये मशीन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, बस लोग कमेंट ना करें कि R15 है यार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। दिक्कत यही है यार, ये लोग मॉडल में कोई चेंज ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, सारे मॉडल एक जैसे निकाल देते हैं। बेचारे जो R1 खरीदे उसको भी R15 वाली फीलिंग आ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए गाइस। लेकिन अब चलाएंगे भाई, ओहो ओ माय गॉड, क्या साउंड आ रहा है, खतरनाक भाई खतरनाक, ओहो। एक्चुअली इस पे मैंने एक वीडियो डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए उनको, तो एक सेपरेट वीडियो चाहिए, उसके लिए भाई हम सेपरेट तरीके से आए हैं, अब सेपरेट वीडियो आप लोग को देंगे। चलो थ्रॉटल लिया जाए, ओ
भाई साहब साउंड सुन रहे हो कितना खतरनाक है भाई। एंड गाइस 18,000 RPM ना बहुत ही लंबा खींच रहा है भाई, मजा ही आ जाए। और अभी ट्रैक्शन लेवल जो है वो हमने एक पे कर रखा है और मोड ए लगा रखा है गाइस। एंड आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इस बाइक की कंडीशन इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। अभी ये बाइक सिर्फ 1900 किलोमीटर चली है भाई, इतनी प्यारी कंडीशन में है भाई कि बिल्कुल मिंट कंडीशन। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है R15। ना, पहले भी आपको बता चुका हूँ भाई कि ये R15 नहीं है। प्लीज ये कमेंट मत करना कि ये तो R15 लग रही है यार, लेकिन लगती सारी की सारी गाड़ियां इनकी R15 ही है यार, एकदम R15 की तरह ही बना देते हैं सारी गाड़ियां। लेकिन पावर जब इसको चलाओगे ना तो पता चलेगा कि R15 इसके सामने इतना सा बच्चा भी नहीं है, समझ रहे हो। बाकी इसमें एक्रा पॉविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई, जो कि एकदम धमाकेदार साउंड कर रहा है, ऐसा तगड़ा साउंड कर रहा है कि आपको मजा ही आ जाए। सुनो साउंड सुन लो सबसे पहले। ओहो, तो ट्रैक्शन को कर दिया हमने ऑफ। तो गाइज वैसे तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन अगर इसके प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लाख पे डिसकंटिन्यू हुई थी। तो जहां पे आप देखोगे प्राइस तो लोग कहेंगे यार 15 लाख बहुत महंगी हो गई। अब 6R की बात करें तो 13 लाख ऑन रोड में आपको 6R मिल रही है भाई इंडिया में, अपने लखनऊ में ही, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको R6 का प्लान बनाना पड़ता तो 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 15 लाख खर्च करने का मतलब है कि थोड़े पैसे और मिला भैया लीटर क्लास बाइक ले लो। अब ब्रांडेड चीज हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर पाता है यार, है ना। R15 लवर्स को प्यार है, जैसे इतनी महंगी गाड़ी 150 cc की ले लेते हैं, वैसे ही 600 cc के लिए 15 लाख रुपए का उन बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा है कि आपको देने पड़ते हैं। लेकिन 600 cc के हिसाब से अगर बाइक देखी जाए तो बाइक एक नंबर है। जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कर रही थी करीब 283 मतलब 283 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव करती, टॉप स्पीड। ये कंपनी क्लेम कर रही थी कि स्पीडोमीटर पर इतनी स्पीड तक ये जा सकती है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो दूसरी बाइकों में नहीं है, जैसे कि इतना बढ़िया साउंड, इतनी बढ़िया पावर, इतनी बढ़िया कैपेबिलिटीज। साथ ही साथ गाइस पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, इस बाइक में एक दिक्कत और बहुत है कि R6 मैंने बहुत सारी देखी जिसमें टैंक स्लैपर की दिक्कतें आई हैं। बाकी बाइक बहुत ही लाइट वेट फील हो रही है, चलने में बहुत ही स्मूथ है, मनुवर बहुत आराम से कर सकते हो भाई। और लग ही नहीं रहा है कि 600 cc की बाइक चला रहा हूं। लिटरली लग रहा है किसी छोटे सेगमेंट की बाइक है, इतनी लाइट वेट है और इतनी हल्की सी है, प्यारी सी, एकदम नॉर्मल बाइक की तरह लग रही है। लेकिन पावर एकदम सुपर बाइक की तरह दे रही है, एकदम आपको ऐसा फील होगा कि क्या ही बाइक है भाई। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार यहाँ पे। इन बाइकों को चलाने का असली मजा जो है वो भाई एक्सप्रेस वे पे ही आता है, जहाँ पे हमें लंबा स्ट्रेच मिले खींचने के लिए, कि एकदम खींचे तो ताबड़तोड़ मजा आ जाए, एकदम साउंड सुने तो मजा आ जाए। हमें मिल गया भाई एक पुल, क्या बात है, इस पुल पे तो हम भगा सकते हैं। चलो एक फिर लेते हैं स्ट्रेच लंबा सा। भाई साउंड सुनो, केवल साउंड कितना खतरनाक है, बहुत ही प्यारा साउंड आ रहा है भाई, बहुत ही प्यारा साउंड आ रहा है, क्या सूदिंग वॉइस है एकदम। जितने भी बाइक लवर्स हैं भाई उनके कानों को इतना बेहतरीन, इतना चुम्मा सुकून मिलेगा कि क्या ही बताएं। अरे यार हमने सोचा था पुलिया मिली है, मतलब बड़ा सा पुल मिला है तो सन्नाटा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार, ट्रैफिक जानदार है यहाँ भी, और बहुत जानदार ट्रैफिक है भैया। R6 चलाने का मजा मिल नहीं पाएगा आज हमको, ले जाएंगे एक्सप्रेस वे इसको किसी दिन, तब खींचेंगे एकदम लल्लन टॉप स्पीड में फुल गियर लगा के, तब देखेंगे कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो टॉप स्पीड ये सही में अचीव करती है या कम करती है कि ज्यादा पहुंचा देते हैं हम उसको। फिलहाल तो इसका साउंड सुन के ही मजा लो। बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई यार, कहाँ फंस गए भैया, पहले गियर में खींचोगे देखो कितना जाएगी। पहले गियर में 130 जाती है गाइस, 600 cc की बाइक काफी है यार, बहुत सही है।
बहुत लंबा आरपीएम गैप था, लेकिन ठीक है, मजा आया पहले गियर में खींच के। चलो फर्स्ट गियर चैलेंज तो हमने आज कर ही लिया इसका। थोड़ा सा साउंड सुन लो यार, तुम थोड़ा साउंड सुनो, मजा आए तुम्हें। ओ भाई क्या पटाके आ रहा है, एकदम बेहतरीन। सो गाइस आप लोगों ने देखा बाइक चलने में कितनी लाजवाब है, पावर भी कितनी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी कितनी बढ़िया है, साउंड भी कितना बढ़िया है। फिलहाल R6 एक लेजेंडरी मशीन है भाई, R6 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अपने हिसाब से, मतलब 600cc के हिसाब से, और प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन क्वालिटी है भाई, बहुत तगड़ी बाइक है ये। आप कमेंट करके बताओ आपको R6 कैसी लगती है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye.